अरे हो सनातन, ये राम मंदिर बना के क्या फायदा मिला? स्कूल और कॉलेज बनता तो कुछ फायदा तो होता मेरे भाई। स्कूल कॉलेज की तरह राम मंदिर भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे जीवन में संस्कार का निर्माण करता है। अगर संस्कार ही नहीं रहेंगे तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? अच्छा, और वो कैसे? श्री राम ने पिताजी की एक आवाज पर 14 साल का वनवास लिया। ये एक बेटे का पिता के प्रति आदर को दर्शाता है। भरत जी ने राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर राज किया। ये एक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति आदर को दर्शाता है। श्री लक्ष्मण जी की नजर कभी भी सीता जी के मुख पर नहीं गई। ये एक भाई का बहन और भाभी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। हनुमान जी ने समुन्दर पार करके सीता जी तक संदेशा पहुँचाया तथा संजीवनी पर्वत उठाया। ये एक निष्पाप भक्ति को दर्शाता है। श्री राम ने सीता जी के लिए समुन्दर पार किया और सीता जी ने राम की प्रतीक्षा की। ये एक पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। सुग्रीव जी ने अपनी वानर सेना देकर श्री राम की मदद की। ये सच्ची मित्रता का प्रतीक है। तो मेरे भाई, आदर, सम्मान, प्रेम, कर्तव्य, भक्ति और मित्रता, ये केवल मंदिर नहीं पर हमारा जीवन है। अब समझा मेरी बात? हाँ भाई, मैं तेरी बात पूरी तरह से समझ गया। तो बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम।